हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ सर्दियों की स्पेशल तीखा चटपटा मिक्स अचार, जो बिना धूप के मिनटों में होगा तैयार। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है 2 मूली, 4 से 5 गाजर ली है, छोटी छोटी गाजरें हैं, अगर आपके पास बड़ी है तो 2 डालें। साथ ही मैं ली है 250 ग्राम मोटी वाली हरी मिर्च, यहाँ आप बारीक भी ले सकते हैं, लेकिन मैं मार्केट में जैसे बिकता है सेम ऐसा बना रही हूँ, तो मैं मोटी मिर्चें ले रही हूँ। 3 इंच का अदरक का टुकड़ा लेंगे। इन सभी चीजों को वॉश करके इनका छिलका उतार लिया है मैंने, और सभी चीजों को हमने कपड़े से साफ कर लिया है ताकि इन पर पानी ना हो। अब मैं आपको बताती हूँ इस अचार की कटिंग कैसे करनी है। यहाँ हम लेंगे मूली और इसको करेंगे फिंगर कट। तो इस तरह से बराबर हिस्सों में मूली को कट कर लेंगे। इसे करेंगे बीच में से कट इस तरह से, और इस तरह से फिंगर कट कर लेंगे। और गाजर को भी हम इसी तरह से कट कर लेंगे। और यहाँ लेंगे हम हरी मिर्च, इसका डंठल उतार देंगे पहले और बीच में से कट करेंगे, और इस तरह से बारीक बारीक स्लाइस कट कर लेंगे। और अदरक को भी जूलियन कट कर लेंगे बारीक बारीक। और ये देखिए, सभी चीजों को हमने बढ़िया तरीके से कट कर लिया है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है सारी चीजें कट की हुई। तो चलिए अब हम बना लेते हैं इसका स्पेशल अचार मसाला। तो सबसे पहले हम लेंगे पैन, गैस की फ्लेम लो रखेंगे। इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून सरसों के दाने। सबसे जरूरी एलिमेंट होता है, अचार को प्रोटेक्ट करता है और टेस्ट अच्छा आता है। और 1 टेबल स्पून ली है पीली वाली राई। पीली राई अचार में खटास बढ़ाती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। 14 से 15 काली मिर्चें लेंगे। 1/2 टीस्पून डालेंगे जीरा। 1/2 टीस्पून डालेंगे मेथी दाना, ज्यादा नहीं डालेंगे मेथी दाना। 1 टेबल स्पून डालेंगे साबुत धनिया। 2 टेबल स्पून डालेंगे सौंफ। 1/2 टीस्पून डालेंगे अजवाइन। और इन सारी चीजों को लो फ्लेम पर भून लेंगे। हम जब इस तरह से रोस्ट करते हैं मसालों को, तो इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है। लीजिए, मसालों को हमने कर लिया है रोस्ट। अब हम हल्का ठंडा होने देंगे मसालों को, और जब मसाले ठंडे हो जाएं, तो हमें लेना है मिक्सर जार और ये सारे मसाले डाल देने हैं। और फाइन पाउडर हमें तैयार कर लेना है इन सारी चीजों का। यहाँ हमें मसालों को दरदरा बिल्कुल भी नहीं रखना है। और फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। ये लीजिए, हमारा अचार का मसाला है तैयार। अब हम डालेंगे इसमें कुछ और मसाले। इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर। 1/2 टेबल स्पून डालेंगे तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर। यहाँ आप तीखा कम खाते हैं तो कश्मीरी मिर्च पाउडर ही डालें, और अगर आप तीखा खाते हैं जैसे मार्केट में मिलता है, तो यहाँ पर तीखी वाली लाल मिर्च डाल दें 1/2 टेबल स्पून। 1/2 टेबल स्पून डालेंगे हल्दी पाउडर। 1/2 टीस्पून डालेंगे कलौंजी। कलौंजी को भूना नहीं जाता, इसलिए इसी टाइम डालेंगे। 1/2 टेबल स्पून डालेंगे काला नमक, और 1/2 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम सादा नमक डालेंगे। नमक और मिर्च को हम बाद में भी टेस्ट करके देख सकते हैं। अब हम इस सारे मसाले को अच्छे से मिला लेंगे। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त बनकर तैयार होता है ये अचार। ये लीजिए, हमारा स्पेशल मसाला अचार का तैयार है। इसे रखते हैं साइड में। तो चलिए बना लेते हैं इंस्टेंट अचार। मिक्स अचार बनाने के लिए हम लेंगे कढ़ाई। इसमें डालेंगे 1/2 कप सरसों का तेल। यहाँ जो हमने तेल लिया है, पहले हमने तेल को अच्छा गर्म करके इसे ठंडा कर लिया था, इससे इसकी जो स्मेल होती है वो निकल जाती है। अब हम गैस ऑन कर देंगे और गैस की फ्लेम लो कर देंगे। इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून हींग, और बस हींग डालते ही हम इसमें सारी चीजें ऐड कर देंगे, मूली, गाजर, हरी मिर्च, अदरक, और इनको हम कर लेंगे तेल में अच्छे से मिक्स। यहाँ पर हमें गाजर, मूली, सभी चीजों को ज्यादा देर तक नहीं गलाना है, ऐसा कि बस ये हल्के से नरम हो, तभी अचार का टेस्ट बढ़िया आता है। 5 से 6 मिनट लग जाते हैं सभी चीजों को हल्का सा सॉफ्ट होने में। 5 से 6 मिनट हो गए हैं, तो हम डालेंगे अचार का मसाला। यहाँ हम आधा मसाला डालेंगे,
जो हमने बनाया था आधा हम बाद में डालेंगे। इसे हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। यहाँ हमें गैस की फ्लेम लो रखनी है और मसाले को मिला लेना है अच्छे से। अब हम बाकी का बचा हुआ मसाला भी ऐड कर देंगे और अच्छे से कर लेंगे इसे भी मिक्स। इस अचार की खास बात यही है, आप इसे तुरंत प्लेट में सर्व कर सकते हैं और ये इतना टेस्टी लगता है खाने में, मैं इसको बताने के लिए मेरे पास शब्द भी नहीं है। ये लीजिए, हमने मसाले को अचार के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम डालेंगे इसमें 3 से 4 टेबल स्पून विनेगर, ये व्हाइट विनेगर है, और इसे भी कर लेंगे मिक्स। विनेगर डालने से अचार में खट्टापन आता है और अचार की शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। अगर आपको ज्यादा खट्टा पसंद है अचार तो इसमें 1/2 नींबू का रस और डाल दीजिएगा, फिर उसे भी मिक्स कर दीजिएगा। यहाँ पर आप नमक, मिर्च और खटास को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज्यादा। ये लीजिए, हमारा इंस्टेंट अचार हो गया है तैयार। वैसे तो ये अचार हैंड टू हैंड सर्व कर सकते हैं, लेकिन इसका और भी ज्यादा अच्छा टेस्ट चाहिए तो इसे आप एक दिन की धूप में ये अचार रख दीजिएगा कंटेनर में बंद करके, और फिर एक दिन बाद खाइएगा, इसका टेस्ट दोगुना हो जाता है। फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए बिना मत जाइएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा।